नमस्कार, आइए देखते हैं लय की परिभाषा, अर्थ, व्याख्या और प्रकार। लय संस्कृत भाषा का एक पुल्लिंग शब्द है। सामान्यतः संगीत में प्रयोग की जाने वाली गति को लय कहते हैं। प्राचीन काल से अब तक लय की अनेक परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रदान की गई हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में लय की परिभाषा इस प्रकार दी है। तालह काल क्रियानम लयः साम्य पास्त्रियाम, अर्थात ताल में काल और क्रिया की समानता लय है। शारंग देवकृत संगीत रत्नाकर में इस प्रकार दिया गया है। क्रियानांतर विश्रांति लयः, अर्थात क्रिया के अंत में विश्रांति को लय कहते हैं। अब लय की समुचित परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। संगीत के प्रस्तुतीकरण का काल लय की गति से चलता है और आघातों से किए गए काल विभाजन के समबद्ध वेग को लय कहते हैं। दो आघातों के बीच में होने वाला विश्रांति काल या अवकाश यदि बढ़ा दिया जाए तो लय का वेग यानी गति या प्रवाह कम हो जाता है, और यदि विश्रांत काल कम कर दिया जाए तो लय का वेग बढ़ जाता है। इस प्रकार लय के अनगिनत प्रकार हो सकते हैं, परंतु हमारे प्राचीन मनीषियों ने इसे द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत कर रखा है। त्रयो लयास्तु विज्ञेया द्रुत, मध्य, विलंबिता, ये नाट्यशास्त्र का श्लोक है। तो इस प्रकार लय तीन प्रकार मानी गई हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। विलंबित लय, जब एक मात्रा से दूसरी मात्रा पर जाने में विलंब होता है, अर्थात लय की गति धीमी हो तो उसे विलंबित लय कहते हैं। बड़ा ख्याल व मसीत खानी गत आदि इसी लय में गाए बजाए जाते हैं। मध्य लय, मध्य लय वह होती है जो न तो बहुत धीमी हो और न ही बहुत तेज। छोटा ख्याल व रजा खानी गत आदि इसी लय में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह विलंबित लय से दुगुनी तेज होती है। द्रुत लय, द्रुत लय उसे कहते हैं जिसकी गति बहुत तेज हो। यह मध्य लय की दुगुनी और विलंबित लय की चौगुनी तेज होती है। छोटा ख्याल, तराना, रजा खानी गत व झाला आदि इसी लय में समाप्त किए जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि संगीत में जो भी हम गति प्रयोग करते हैं यानी चाल, वो लय कहलाती है। और गति या चाल कई प्रकार की हो सकती है, जिनको तीन रूपों में विभाजित किया गया है, विलंबित, मध्य और द्रुत। ये जो आप महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी देख रहे हैं, ये गायन सिद्धांत, तबला सिद्धांत और स्वरवादन सिद्धांत पुस्तक में दिया गया है। इनका अध्ययन आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की सहायता से कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पर लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।